पहाड़ शिवरात्रि के उपलब्धि पर आपका हार्दिक स्वागत है। व्यवहार में बच्चा होना, काम में जवान होना और अनुभव में वृद्ध होना किसी भी व्यक्ति की सफलता का ऊंचाई तक पहुंचा देना है। मंगल प्रभात। ए बिग कॉस्मिक चेंज इन द हैप्पीनेस ऑफ द महाशिवरात्रि बाय सदगुरु। महाशिवरात्रि स्पेशल 2022 द सीक्रेट ऑफ शिवरात्रि। निरंजनो निराकार एको देवो महेश्वरा मृत्यु मुखात गतं प्राणं बलादाकृष्य रक्षते। निरंजन निराकार महेश्वर ही एकमात्र महादेव हैं जो मृत्यु के मुख में गए हुए प्राण को बलपूर्वक निकालकर उसकी रक्षा करते हैं। मार्कंड ऋषि का पुत्र मार्कंडेय अल्पायु था। ऋषियों ने उसको शिव मंदिर में जाकर महामृत्युंजय मंत्र जपने की सम्मति प्रदान की। मार्कंडेय ऋषियों के वचनों में श्रद्धा रखकर शिव मंदिर में महामृत्युंजय मंत्र का यथाविधि जाप करने लगे। समय पर यमराज आए, किंतु मृत्युंजय की शरण में गए हुए को कौन छू सकता है। यमराज लौट गए। मार्कंडेय ने दीर्घायु पाई और मार्कंडेय पुराण की रचना भी की। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोगई पीड़ितम कर्म बंधनई। हे मृत्युंजय महादेव, मैं सांसारिक दुविधाओं में फंसा हुआ हूं। रोग और मृत्यु मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए। महामृत्युंजय मंत्र महामंत्र है जिसके यथाविधि पारायण से व्यक्ति पापों से छूटकर सुख समृद्धि प्राप्त करता है। इस लोक में नाना प्रकार के कष्टों से मृत्यु भय से मुक्त होकर संपत्ति रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने का सरल उपाय महामृत्युंजय मंत्र ही है।
हम महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं? हम महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं इसका भी इतिहास होना बहुत आवश्यक है। हम महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारा देश, ये भारत देश, विविध धर्म, विविध संस्कृति, विविध कलाओं से मग्न है। शिव भगवान हमारा आद्य देवता है। कि हम इन्हें क्यों मनाते हैं, हर संस्कृति का अभ्यास, फिर वो जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, क्रिश्चियनिज्म हो, जैनिज्म हो या हिंदुज्म हो, हिंदुस्तान भारत को ही हिंदुस्तान कहा गया है। एक्चुअली इस भारत देश में यहाँ की लोक संख्या आज के दिन दुनिया की सेकंड लोक संख्या, वो जो एक नंबर पर आ रही है, तो भी हर धर्म, हर संस्कृति, हर वचन यहाँ होने के बाद में भी आज हम सब एक है और एक जी रहे हैं। ये संविधान के कारण है। संविधान हर धर्म के ऊपर है, संविधान धर्म से भी ऊपर है, धर्म के कार्य पर भी संविधान है। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान हर धर्म को उसकी आज़ादी दी है और उसी आज़ादी के साथ में हम हर धर्म को अधिकार से जीना चाहते हैं। आज 1 मार्च के उपलब्धि पर, महाशिवरात्रि के उपलब्धि पर हमारे सब भारतवासियों को, हमारे सब दुनिया के जितने भी भारत के लोग हैं, फिर वो अमेरिका में हैं, हर देश में हैं, लंदन में हैं, विश्व के सभी देश के ऊपर में शिवरात्रि की, महाशिवरात्रि की हम सभी को शुभकामना देते हैं। और आज महाशिवरात्रि का मीनिंग हम सभी को समझा देंगे, तो आप सुनिएगा। भारत में हर साल महाशिवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। ये पर्व फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन शिव भक्त के साथ ही भगवान शिव में श्रद्धा रखने वाले लोग उपवास रखते हैं, शिवलिंग पर बेलपत्र और फूल चढ़ाकर महादेव की पूजा करते हैं। इसके साथ ही शिवलिंग पर दूध जल अर्पित करते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की जो सच्चे दिल से पूजा करता है, महादेव उसके सारे दुख हर लेते हैं और उसकी मनोकामना पूरी करते हैं।
ये तो हुई महाशिवरात्रि के मनाने की बात, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस दिन को महाशिवरात्रि क्यों कहा जाता है और ये क्यों मनाई जाती है? वैसे तो महाशिवरात्रि को लेकर भगवान शिव से जुड़ी कई मान्यताएं और कथाएं प्रचलित हैं। आज हम आपको उन्हीं में से कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में बताएंगे। हाय दोस्तों, मैं हूँ शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री टीवी इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसलिए इस दिन को महाशिवरात्रि कहते हैं। शिव का मतलब कल्याण से है, जो कल्याणकारी है वही शिव है। शास्त्रों में शिव को महादेव इसलिए कहा गया है क्योंकि वो मनुष्य, नाग, देवता, दैत्य, किन्नर, गंधर्व, पशु पक्षी और समस्त वनस्पति जगत के स्वामी हैं। शिव जी की आराधना से संपूर्ण सृष्टि में अनुशासन, समन्वय और प्रेम भक्ति का संचार होता है। इसी तरह शिवरात्रि का मतलब भगवान शिव की याद में गुजार देने वाली रात से है। वैसे तो एक साल में 12 शिवरात्रि आती है, जो हर महीने की कृष्ण चतुर्दशी को होती है। ये दिन किसी भी महीने का आखिरी दिन होता है। माघ महीने की कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि कहते हैं, जो भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। अब बात करते हैं पौराणिक कथा और मान्यताओं की। पहली कथा, महाशिवरात्रि के लिए अलग अलग पुराणों में कई कथाएं प्रचलित हैं। भागवत पुराण के मुताबिक देवताओं और असुरों के बीच हुए समुद्र मंथन में कई कीमती चीजें निकली, जिनको देवताओं और असुरों में आपस में बांटा। लेकिन जब इससे विष निकला तो कोई भी इसे लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसी दौरान विष समुद्र के जल में मिलकर दूर तक फैलने लगा। इसे पीकर कई जानवरों और मनुष्यों की मौत होने लगी, जिससे धरती के जीवन पर खतरा मंडराने लगा। देवताओं को डर लगने लगा कि इस विष का असर कहीं धीरे धीरे स्वर्ग पर भी न होने लगे, जिससे घबरा कर ऋषि, मुनि और देवगण भगवान शिव के पास गए। सब शिव जी से बचाने का अनुरोध करने लगे। जैसा कि सब जानते हैं, भगवान शिव तो दयावान और दानी है। वो तुरंत ही मान गए। उन्होंने ब्रह्मांड की रक्षा के लिए विष को पीकर अपनी योग शक्ति से उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से भगवान शिव का नाम नीलकंठ पड़ा। भगवान शिव के इस परोपकार के चलते सभी देवों ने रात भर शिव जी की महिमा का गुणगान किया। तभी उन्होंने भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा, इसलिए तो शंकर भगवान को महादेव भी कहा जाता है। तब से ही इस दिन को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव ने साहस और धैर्य के साथ जन कल्याण के लिए विष पीकर उदारता और दया दिखाई। शिवरात्रि को लोक कल्याण, धैर्य, परोपकार और उदारता का प्रतीक माना जाता है। दूसरी कथा लिंग पुराण की है, जिसमें इस दिन को भगवान शिव के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं इस दिन महादेव शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे, तभी से इस दिन शिवलिंग की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। इस पुराण की कथा के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी इस बात पर विवाद करने लगे कि दोनों में कौन बड़ा है, ये विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत यहाँ तक आ गई कि दोनों ही अपनी महानता दिखाने के लिए अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों का इस्तेमाल कर युद्ध शुरू कर दिया, जिसके कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। फिर बाकी देवता और ऋषि मुनि भगवान शिव के पास अनुरोध लेकर गए कि इन दोनों के युद्ध को शांत कराओ। इस विवाद को शांत करने के लिए महादेव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। ये लिंग एक तेज ज्वाला की तरह लग रहा था, जिसका ना आदि था और ना ही अंत। जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की नजरें इस लिंग पर पड़ी तो दोनों ही नहीं समझ पाए कि आखिर ये वस्तु है क्या। जिसके बाद भगवान विष्णु सूकर का रूप धारण कर नीचे की ओर गए तो ब्रह्मा जी हंस का रूप धर ऊपर की ओर। वो ये जानना चाहते थे कि इस वस्तु का आरंभ और अंत कहाँ है। दोनों ही असफल रहे। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने ज्योतिर्लिंग को प्रणाम किया। उस समय ज्योतिर्लिंग से ओम की आवाज सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर दोनों ही बहुत आश्चर्यचकित हो गए। तब दोनों ने ध्यान से देखा कि लिंग के दाहिनी ओर अकार, बाईं ओर उकार और बीच में मकार बना हुआ है, जिसमें से अकार सूर्यमंडल की तरह, उकार अग्नि की तरह और मकार चंद्रमा की तरह चमक रहा था। इस अनोखे दृश्य को देख ब्रह्मा और विष्णु जी बहुत ही खुश हुए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने दोनों को आशीर्वाद दिया। इस तरह पहली बार भगवान शिव ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होने पर इस दिन को शिवरात्रि के रूप में मनाया गया। तीसरी कथा, हिंदू धर्म की मान्यता के मुताबिक इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए इस दिन कई मंदिरों में भक्तगण भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा अर्चना कर इनकी शादी भी करते हैं। इतना ही नहीं, शास्त्रों और पौराणिक कथाओं में भी शिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह की बात कही गई है, इसलिए इस पर्व को भगवान के विवाह वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव ने हिमालय के मंदाकिनी क्षेत्र के त्रियुगी नारायण में माता पार्वती से विवाह किया था।
इसका प्रमाण यहाँ जलने वाली अग्नि की ज्योति है जो त्रेतायुग से अभी तक लगातार जल रही है। कहते हैं माता पार्वती से शिव जी ने इसी ज्योति के सामने फेरे लिए थे। लोगों का मानना है कि यहाँ शादी करने से दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि इस दिन पूरे साल में हुई गलतियों के लिए महादेव से क्षमा मांगने पर माफी मिल जाती है, क्योंकि महादेव बहुत दयावान और परोपकारी हैं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा का एक विशेष महत्व है। इस दिन सभी की मनोकामना जरूर पूरी होती है, इसलिए मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन कर शिव जी को मनाया जाता है। आप भी महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग में दूध या जल चढ़ाकर अपने परिवार की सुख शांति की मनोकामना जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अरे दोस्तों, महाशिवरात्रि के उपलब्धि पर आप सबका हार्दिक स्वागत। जहां हमारा फादर हाउस है वहीं से 10 किलोमीटर के अंतर पर हमारा महाशिवरात्रि वहां होती है। लाखों भक्त महाशिवरात्रि के उपलब्धि पर बैलगाड़ी से भक्तनी भक्त और भक्तनी पीले वस्त्र धारण कर पूजा पाठ कर तुमसर के धीरे से 10 किलोमीटर के पहाड़ी पर महाशिवरात्रि का बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। हमने भी हमारे तरफ से कई बार इस त्यौहार को अटेंड करते हुए इस त्यौहार की खुशियां हमने देखे। आज भी बड़े बड़े ऋषि महर्षि उस पहाड़ी को देखने आते हैं जिसे महाशिवरात्रि की पहाड़ी कहते हैं। प्रतापगढ़ और ये हमारा तुमसर में है गढ़ जहाँ हर पूजा होती है, भगवान शिव की आरती होती है, पहाड़ी से पानी टपकता है। महाशिवरात्रि के जागरण पर बड़े बड़े लोग खास कर खासदार तुमसर के भंडारे जिले के कई साल खासदार रहे प्रफुल्ल भाई यहाँ पौनी के गढ़ पर महाशिवरात्रि का कार्यक्रम बड़े धूम से मनाते हैं। मैं भी इन्हें के साथ में कई बार भोजन का कार्यक्रम आरंभ किया था। आज ही मुझे उस दिन की याद आती है जहाँ समाज के 70 साल के पहले हम सभी लोग महाशिवरात्रि को बड़े प्रेम से अदा करते थे। आज सदगुरु महाशिवरात्रि के जागरण पर दकियानुषी या वैज्ञानिक तरीका बताते हैं। हर चीज़ के ऊपर एक वैज्ञानिक बातें होती हैं और उन्हें हमें तात्कालिक रूप में दंत कथा में परिवर्तन किए हैं। इस बातों को हम ध्यान में रखेंगे कि महाशिवरात्रि के जागरण पर दकियानुषी या इसका वैज्ञानिक क्या अर्थ है, इस पर सदगुरु 1 मार्च महाशिवरात्रि के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से दबा देते हैं ये चीज। बहुत सारी बातें हैं इसमें, माँ लक्ष्मी की दौंडी चली आएगी, ऐसे बहुत सारे प्रकार हैं। हर धर्म का अभ्यास होना और भारत का सबसे बड़ा धर्म जिसके लोग 100 कोटि के ऊपर है उसका अध्ययन करना, ये भी हमारे पढ़े लिखे लोगों का आध्यात्मिक कर्तव्य होता है। दोस्तों, जो सदगुरु की वाणी में इंग्लिश में सदगुरु ने बताया है उन्हीं के जबान से हिंदी में आज हम महाशिवरात्रि के जागरण पर दकियानुषी या वैज्ञानिक उसका अर्थ क्या है ये भी देखते हैं। मंडल में होने वाली हर चीज किसी ना किसी तरह से आपके साथ ही होती है। महाशिवरात्रि की रात में ऊर्जा प्राकृतिक रूप से ऊपर उठती है। आप लेट जाएं तो आप खुद को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, इसलिए उस रात हम उत्सव मनाते हैं। शायद लगभग 6 करोड़ लोग देखेंगे। महाशिवरात्रि महोत्सव विज्ञान धर्म साइंस और रिलीजन
सदगुरु आंसर। सदगुरु आप इतने तार्किक रूप से बोलते हैं कि वो मेरे मन को ठीक लगता है, पर साथ ही आप ईशा योग केंद्र में महाशिवरात्रि का धार्मिक त्योहार बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। मेरे जैसे युवा व्यक्ति के लिए ये धार्मिक त्योहार पुरानी रस्मों जैसे लगते हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि महाशिवरात्रि का युवाओं के लिए क्या महत्व है। धन्यवाद। What kind of festival would you like? आपको किस तरह का त्योहार पसंद है? शायद बस वैलेंटाइन डे या वैसा कोई त्योहार? हार्डवर्स विश्वविद्यालय में 17 फरवरी 2019 में सदगुरु को कुछ प्रश्न पूछा गया, तो महाशिवरात्रि के जागरण पर दकिया ऋषि या वैज्ञानिक हर सदगुरु ने इस तरह से बताया। वो भी धार्मिक है, वो संत वैलेंटाइन का त्योहार है, ठीक है? तो महाशिवरात्रि क्या है? आपको ये समझने की जरूरत है, भारत में साल में 365 त्योहार होते हैं। हाँ, आज आर्थिक स्थिति ऐसी है और हमने अपने काम और दूसरी चीजों को ऐसे व्यवस्थित किया है कि कई त्योहार खत्म हो चुके हैं। अब भी लगभग 30-65 त्योहार मनाए जाते हैं, शायद इससे भी ज्यादा। अलग अलग लोग लगभग 50-60 त्योहार मना रहे हैं, लेकिन ये संख्या भी घट रही है। लगभग 5 या 6 त्योहार बड़े पैमाने पर मनाए जा रहे हैं, तो उनमें से कुछ सामाजिक हैं, उनमें से कुछ धार्मिक हो सकते हैं, बहुत कम धार्मिक हैं, बाकी सभी कैलेंडर से जुड़े हैं। लगभग हर भारतीय त्योहार कैलेंडर से जुड़ा है, यानी सौर मंडल में जो हो रहा है उससे जुड़ा है। हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो बाकी सौर मंडल की उस दिन की स्थिति के हिसाब से ठीक हो। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आप जिसे मेरा शरीर कहते हैं, यानी जो मानव सिस्टम है, वो इसी धरती से निकला है। ज्यादातर लोग इसे तब तक नहीं समझते जब तक आप उन्हें दफन नहीं करते। उन्हें लगता है कि वे कहीं और से आए हैं। नहीं, ये शरीर, इसे बनाने के लिए सौर प्रणाली कुम्हार के चाक की तरह काम कर रही है। तो सौर मंडल में होने वाली हर चीज किसी न किसी तरह से आपके साथ भी होती है। तो सौर मंडल में जो कुछ होता है उसे बहुत ही ध्यान से समझा गया है। उसी हिसाब से हमने खास तरह के उत्सव तैयार किए थे और हम वो खास चीजें करते हैं। तो महाशिवरात्रि की रात, मैं इसे कम शब्दों में कहूंगा क्योंकि जो आपने पूछा है वो बहुत बड़ा विषय है। वो दिन जो हर साल उसी दिन नहीं आता, मॉडर्न कैलेंडर में इसकी एक ही तारीख नहीं होती स्वाभाविक रूप से, क्योंकि धरती इस तरह से नहीं घूम रही, यह एक खास तरीके से घूम रही है और धरती थोड़ी झुकी हुई है। आप जानते हैं धरती किस तरह झुकी है? हेलो, झुकी होना सटीकता के संदर्भ में नहीं, मैं धरती के संदर्भ में झुके होने की बात कर रहा हूँ। धरती की धुरी बस इस तरह नहीं घूम रही है, यह इस तरह घूम रही है, इसकी धुरी झुकी हुई है। तो धुरी हमेशा घूमती रहती है, धुरी के घूमने के कारण धरती पर एक तरह की स्थिति बनती है। तो उस दिन विशेष रूप से उत्तरी गोलार्ध में, या सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में, ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर उठती है। वो स्वाभाविक रूप से ऊपर उठती है। ये ऊर्जा वगैरह में मैं विश्वास नहीं करता, आप विश्वास मत कीजिए, बस जाकर समुद्र तट पर बैठिए। क्या पूर्णिमा की रात में समुद्र को ऊपर उठता देखते हैं? हेलो, तो अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, क्या आप देखते हैं कि समुद्र ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है? वैसे आपके शरीर का 2/3 हिस्सा भी पानी है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि शरीर के अंदर का पानी ऊपर नहीं उठेगा? शरीर के सभी तरल पदार्थ ऊपर उठते हैं, तो आप यह चीज हर जगह से देख सकते हैं। अगर आप, क्या आप किसी मानसिक संस्थान में कभी गए हैं? नहीं, आप वहां शायद बस एक बार के लिए गए हों। आप पूर्णिमा और अमावस्या के दिन देखेंगे कि लोग खास ध्यान रखते हैं, क्योंकि जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं वे ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लोग सोचते हैं कि चांद पागलपन पैदा करता है, इसीलिए लूनर और लूनी वगैरह शब्द मौजूद है। चांद पागलपन पैदा नहीं करता, वह बस हर चीज को ऊपर उठा देता है। अगर आप थोड़े पागल हैं तो यह आपको ज्यादा पागल बना देता है। आप थोड़े प्रेममय हैं तो यह आपको ज्यादा प्रेममय बना देता है। आप थोड़े ध्यानमय हैं, यह आपको ज्यादा ध्यानमय बना देता है। आपका जो भी गुण है वह बढ़ जाता है, क्योंकि यह सिस्टम में एक तरह का उफान है। इस खास दिन जो दिसंबर की संक्रांति के बाद आता है, 22 दिसंबर सर्दियों की संक्रांति होती है,
उसके बाद ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि उस विशेष रात को ऊर्जा जबरदस्त तरीके से स्वाभाविक रूप से ऊपर उठती है। If on that night if you lie down, उस रात को अगर आप लेटे रहते हैं तो जब ऊर्जाएं इस तरह से बढ़ने की कोशिश कर रही होती है तो आप उन्हें एक तरह से रोकते हैं। बात सिर्फ यह नहीं है कि आप फायदे को खो देंगे, आप खुद को बहुत संवेदनशील तरीके से नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ये सब चीजें आपके लिए तभी मायने रखती हैं जब आप एक संपूर्ण इंसान होना चाहते हैं। जब मैं एक संपूर्ण इंसान कहता हूँ तो आप चाहते हैं कि इंसान में जो भी क्षमता उजागर की जा सकती है उसे आप उजागर करना चाहते हैं। अगर आप उस तरह के नहीं हैं कि आप शाम को नशा करके सो जाते हैं तो जो क्षमता मौजूद है आप उसे भी मार देना चाहते हैं, तो ये आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप एक संपूर्ण मानव होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके साथ हर चीज पूरे पैमाने पर हो, तो आप सिस्टम में होने वाले सारे छोटे छोटे बदलावों पर ध्यान देते हैं और उनकी परवाह करते हैं। तो आप सीधे बैठना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी रीढ़ उस रात सीधी खड़ी रहे। जब ऊर्जाएं ऊपर बढ़ रही हों तो आप उन्हें और ऊपर जाने में मदद करना चाहते हैं, न कि ऐसे। इसलिए हमने जागरण का तरीका बनाया है। इसका मतलब है सतर्क रहना और सीधा रहना। लोगों को सीधा कैसे रखें? बस उन्हें बैठा दीजिए। आप सोचते हैं वे बैठे रहेंगे? अगर मैं आपको 5-6 घंटे के लिए बैठा दूं, तो क्या आप बस यूं ही बैठे रहेंगे? नहीं, मुझे आपका मनोरंजन करना होगा। शाम 6 से सुबह 6 बजे तक 12 घंटे नॉनस्टॉप संगीत, नृत्य, ध्यान, ताकि हर कोई सचेत बैठा रहे। लगभग 10 लाख लोग एक जगह पर होते हैं, लेकिन ये संख्या बढ़ रही है। तो अब दक्षिण भारत में 130 से अधिक शहरों में हमारे पास बड़े स्क्रीन हैं, ताकि लोग वहाँ इकट्ठा हों और बहुत ज्यादा लोग यहाँ न आए, लेकिन फिर भी 7 से 8 लाख लोग एक जगह पर होंगे। और 86 से अधिक चैनल इसे लाइव टेलीकास्ट करते हैं, तो कितने लाखों लोग देखेंगे हम नहीं जानते। पिछले साल कहा गया था लगभग 6 करोड़ लोगों ने देखा होगा, इस बार और ज्यादा लोग देखेंगे। तो ये इतना विशाल हो गया है क्योंकि लोगों को इससे फायदा हुआ है। आप उस रात एक काम करें, बिना किसी नशे या ड्रग के बस सचेत होकर बैठें। आपको उत्सव पसंद नहीं है तो आप बस ऐसे यूं ही बैठिए, यह आप पर है। तो आपको यह समझने की जरूरत है कि इंसानों को जश्न मनाने की जरूरत होती है। अगर आपके जीवन में उत्सव होना है तो आपको हंसी खुशी की भावना लानी होगी, वरना कोई उत्सव नहीं होगा। ज्यादातर लोग तभी जश्न मना सकते हैं जब आप उन्हें शराब पिला दें। मैं आपको एक जगह 10 लाख लोग दिखाऊंगा, कहीं भी एक बूंद पीने की अनुमति नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि पूरी रात एक भी व्यक्ति नहीं सोएगा, हर कोई पूरी तरह से जागता रहता है। महाशिवरात्रि के हार्वर्ड विद्यापीठ में 11 मार्च को शिवरात्रि आई थी और महाशिवरात्रि के एक रात शिव के साथ में 11 मार्च में 6 बजे से सवेरे 6 बजे तक के सब लाइव जुड़े थे, ये भी बात को हम ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, थोड़ा हम विचार करते हैं ब्रह्मांड की तरफ। यह पृथ्वी जो घूम रही है, अपने आप से घूम रही है, और पृथ्वी को घुमाने वाला कौन है, कौन सी शक्ति है? यह ब्रह्मांड की शक्ति है। सूरज भी घूम रहा है तेज धारों के साथ में। सूरज को घुमाने वाला कौन शक्ति है? मनुष्य की शक्ति कम गिरी, इसलिए मनुष्य ने अपने खुद के छोटे मोटे भगवान बनाए और उन शक्तियों के साथ में उनको बांटे, उन पर विचार किए। ये साइंस है। हर धर्म के लोगों ने अपने अपने भगवान बनाए। हिंदू भगवान बहुत सारे हुए। हर दिन 365 दिन में हर भगवान पैदा हुए, लेकिन आजकल 60-70 कार्यक्रम होते हैं, उसमें से भी धीरे धीरे मनुष्य बिजी होते गया और कम कार्यक्रम होने लगे। उसमें से सबसे बड़ा कार्यक्रम
महाशिवरात्रि का है, राम का भी है, कृष्ण का भी है, इनको भारत में हिंदुस्तान कहते हुए यह मनाया जा जाता है। हर तरफ पूरी दुनिया में, खास करके भारत में पिंड है। जो कहानी हमने देखी ब्रह्मा और विष्णु और शिव, इसमें से बड़ा कौन है, छोटा कौन है? इन बातों को जब लहराए तब शिव ने पिंड तैयार करके अपनी ताकत जताई, जिस पिंड की, पिंड यानी आप इसको जब 1994 में कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एक केस गई, तब भारत में कहीं पिंड की पूजा नहीं होगी ऐसी बातें संविधान के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जज ने दी। इस बात को भी हमने ध्यान देना चाहिए। कथाएं, दंत कथाएं से जुड़ी हुई इन बातों को एक रहस्य है, उनको दंत कथा से देखते हुए सामान्य तरीके से एक साइंस को भी देखना हमारा कर्तव्य होता है। महाशिवरात्रि हर बार अलग अलग दिन आती है। 11 मार्च 2019 में यह आई थी, आज ये 1 मार्च को आई है। दोस्तों, हर बातों को डिप्थ में जाने के बाद में इस ब्रह्मांड में जो पृथ्वी है, जो 15 दिन में अमावस्या आती है, 15 अमावस्या और 15 पूर्णिमा पृथ्वी जिस तरह से हलती है, ये भी बात ध्यान में रखना है। ये जीवन सनभंगुर है, इस सनभंगुर जीवन में जो जीते हैं सबको खत्म होना है, एक दिन पृथ्वी भी खत्म होगी। राग धूप महाकुंड, मारामारी, हानामारी, भ्रष्टाचार, बलात्कार, इन सब बातों को पृथ्वी समा रही है। झाड़ों का कटना, समुद्र का तोड़ना, मुंबई के समान प्रदेश में समुद्र को तोड़ा गया। जो जो भी मुख्यमंत्री आता है, फिर वो विलासराव देशमुख रहे और कोई रहे या अशोक राव रहे, हर ने थोड़ी थोड़ी जमीन, एक एक एकड़, दो दो एकड़, अपने कॉलेज, अपने स्कूल कॉलेज खोले और बम्बई की जमीन मारी गई। 7 विभागों का बम्बई, एक बम्बई बन गया। बम्बई एक पत्थर है पानी में गड़ा हुआ, जिस दिन ये पत्थर हल जाएगा उस दिन पूरी बम्बई नष्ट हो जाएगी, मद्रास नष्ट होगा, दुनिया के हर तरफ सुनामी आएगा। तो सुनामी लाने वाले भी हम लोग हैं। सूरज को देखते हैं, चांद की शीतल छाया को देखते हैं, रात को उठकर हम तारों को देखते हैं, जहां वहां हमारा व्यवहार परिस्थिति को बदलते देखता है। हम इस ब्रह्मांड को घूमते हुए देखते हैं, वही गुरु, वही शुक्र, वही तारे, वही न्यूटन, कई ग्रहों के शोध लगे हैं, नए नए शोध लगाए। सूरज तो बहुत बड़ा है, सूरज से भी ज़्यादा कहीं सूरज है। ये ब्रह्मांड का शोध लगाना बहुत कठिन काम है। जब भगवान बुद्ध को भी पूछा गया, भगवान बुद्ध तो तथागत थे, उनको पूछा गया कि क्या ब्रह्मांड के बारे में आप कुछ बताओगे, आत्मा, परात्मा और ब्रह्मांड के बारे में कुछ आप उत्तर दे सकते हैं? भगवान बुद्ध ने कहा, मैं मनुष्य हूँ, मेरी एक लिमिटेशन है, मैं वो उस बात का उत्तर नहीं दे सकता। ब्रह्मांड कैसे हुआ, कैसा हुआ, क्या हुआ, काल्पनिक कहानी जुड़ी हुई है और उस काल्पनिक कहानी के साथ में हम उत्साह तैयार करते हैं और इसी से खुशी मनाते हैं। भारत ये खुशी का प्रदेश है, जहाँ हर त्यौहार आनंद के लिए मनाया गया, खुशी के लिए मनाया गया। और इस खुशी के त्यौहार पर मेरे दोस्तों कुछ बातें हम आज सोचेंगे। शिव का वह अनोखा मंदिर जहाँ सभी दुख और दर्द छूट जाते हैं, आओ शक्तिशाली शिव का वो मंदिर जीवन बदल रख देगा, ऐसा सदगुरु की आवाज़ में पावरफुल सदगुरु आज मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक बार आप आध्यात्मिक होने की चाह करते हैं, उसका ये अर्थ है कि आप भौतिक से अधिक कुछ होने की चाह कर रहे हैं।
उसका अर्थ है कि आप समय और स्थान की सीमाओं से परे जाना चाहते हैं। महाकाल मंदिर में जिस लिंग की प्राण प्रतिष्ठा की गई है उसकी प्रकृति बेहद असाधारण है। यह आपको अस्तित्व की जड़ों से हिला देगा। शिव एक ऐसे देवता हैं जिन्हें नाम नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन्हें नाम देना उन्हें सीमित और छोटा करने जैसा है। साथ ही साथ उनके कई सारे नामों का संग्रह भी इस अवर्णीय रहस्य को प्रकट करता है कि वो कौन है, या इस अवर्णीय रहस्य को कि ये सृष्टि क्या है। उनके तमाम रूपों में काल भैरव या महाकाल एक महत्वपूर्ण और साथ ही उग्र रूप है। महाकाल के रूप में वो समय के स्वामी हैं। काल भैरव के रूप में वो समय के विनाशक हैं। काला means time. काल का अर्थ है समय। समय का आपको जो अनुभव है वो बस अस्तित्व का चक्र में घूमना है। पृथ्वी एक बार घूमती है, वो एक दिन होता है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, उसे एक महीना कहते हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, वो एक साल हो जाता है। हर चीज जिसे आप समय मानते हैं, आपकी घड़ी भी चक्रों से जुड़ी है। हर चीज जो भौतिक है वो चक्रीय प्रकृति की है। अणु से लेकर ब्रह्मांड तक हर चीज जो भौतिक है वो स्वाभाविक रूप से चक्रीय प्रकृति की है, और अपने भौतिक अस्तित्व के कारण और आप जो हैं उसकी भौतिक प्रकृति के साथ आपके जुड़ाव के कारण आपको समय का बोध है। अब आप यहां बैठे हैं क्योंकि आपके पास एक शरीर है, इसलिए वो समय का हिसाब रख रहा है। जब आप जीवन की चक्रीय गति से मुक्त हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि आपने मुक्ति पा ली है या मोक्ष पा लिया। तो जो लोग मुक्ति की चाह रखते हैं, जो लोग मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए ये आयाम जिसे हम महाकाल कहते हैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बार ऐसा हुआ, महान संत शुक्राचार्य, Who was the guru for all the demons? जो दानवों के गुरु थे, उन्होंने शिव की भक्ति में घोर तपस्या की और शिव को प्रकट होना पड़ा। जब वे प्रकट हुए तो शुक्राचार्य ने अमर होने का वरदान मांगा। फिर शिव बोले, ये संभव नहीं है, जो भी जन्म लेता है उसे मरना पड़ता है, कुछ और मांगो। फिर शुक्राचार्य ने कहा, मुझे कायाकल्प की शक्ति दीजिए जिससे मैं किसी भी तरह के घाव किसी भी तरह की बीमारी को ठीक कर सकूं, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए। शिव जो परम उपचारक हैं, सभी जड़ी बूटियों और औषधियों के स्वामी होने के नाते, शुक्राचार्य को संजीवनी मंत्र दिया। वो मंत्र जो लोगों की किसी भी प्रकार की बीमारी या किसी भी तरह के घाव या चोट को ठीक कर सकता था। जब शुक्राचार्य को यह संजीवनी मंत्र मिल गया तो दानव बहुत ही निडर हो गए और वे युद्ध के बाद युद्ध छेड़ने लगे।
सभी दानव जो युद्ध में जख्मी हो जाते थे किसी भी तरह के गंभीर घाव से, शुक्राचार्य उन्हें संजीवनी मंत्र से ठीक कर देते थे। तो इस वजह से दानवों की सेना एक भी आदमी खोए बिना लगातार लड़ सकती थी। देवता बहुत चिंतित हो गए और उन्हें लगा कि ये बहुत अन्यायपूर्ण युद्ध है, क्योंकि आप चाहे कितना भी लड़ लें, वे मरते ही नहीं, मगर हम मर जाते हैं। तो वे ब्रह्म के पास गए। ब्रह्म ने हस्तक्षेप किया और शिव से कहा, आपने शुक्राचार्य को इस तरह की शक्ति दी है, आपको उन्हें मारना होगा, नहीं तो दुनिया में पूरी तरह असंतुलन आ जाएगा। In the world. दानव देवताओं के खिलाफ अनुचित फायदे में हैं। फिर शिव बोले, उन्हें मारने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उन्हें काबू में कर लूंगा। तो जब देवों और दानवों का युद्ध चल रहा था, शुक्राचार्य मंत्र पढ़ रहे थे और सभी दानवों की चोटों और घावों को ठीक कर रहे थे, तभी सीमा के पार से एक खतरनाक जीव, एक राक्षसी जिसका नाम कृतिका था, एक भयानक रूप में प्रकट हुई। वो शिव की एक गण थी। उसने आकर शुक्राचार्य को अपनी कोख में खींच लिया और वे वहां एक भ्रूण की तरह रहे और वे काबू में आ गए। फिर देवताओं और दानवों के बीच संतुलन कायम हो गया, अधिक उचित और न्यायपूर्ण युद्ध लड़े गए। फिर ब्रह्म बहुत हैरान हुए और उन्होंने सोचा, सिर्फ महाकाल ही ऐसा कर सकते हैं, इंसान को मारे बिना वो पूरी तरह उसके जीवन को काबू में कर सकते हैं। शुक्राचार्य कृतिका की कोख में ही रहे और संजीवनी मंत्र बेकार हो गया। या दूसरे शब्दों में, महाकाल ने शुक्राचार्य के लिए समय को रोक दिया, जिससे वो आगे नहीं बढ़ सके। जब हम परे जाने की बात करते हैं, जब हम आध्यात्मिकता, योग की बात करते हैं, हम देखते हैं कि किस तरह समय और स्थान की सीमाओं से परे जा सकें, क्योंकि समय और स्थान अस्तित्व की भौतिकता से जुड़े हैं। एक बार आप आध्यात्मिक होने की चाह करते हैं, उसका यह अर्थ है कि आप भौतिक से अधिक कुछ होने की चाह कर रहे हैं। एक बार आप भौतिक से कुछ अधिक हो जाते हैं, That means you're aspiring to be beyond. उसका अर्थ है कि आप समय और स्थान की सीमाओं से परे जाना चाहते हैं। महाकाल मंदिर में जिस लिंग की प्राण प्रतिष्ठा की गई है, उसकी प्रकृति बेहद असाधारण है। यह आपको अस्तित्व की जड़ों से हिला देगा। ये प्राण प्रतिष्ठा वाकई अद्भुत है। इसका एकमात्र मकसद है कि ये किसी तरह आपको विलीन कर दे। इस मंदिर में पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली है और कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यह आपको अंदर से हिला देता है। हर दिन महाकाल को जो भेंट अर्पित की जाती है, वो शमशान से लाई गई ताजा राख है, क्योंकि उन्हें यही पसंद है और वो जैसे हैं उन्हें वैसा बनाए रखती है। दुर्भाग्य से मैंने सुना है कि हम इतने सभ्य होते जा रहे हैं, अब शायद कुछ आंदोलनकारियों के विरोध के कारण वो शमशान की राख का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दुर्भाग्य से वो गाय या बैल के गोबर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सिर्फ संस्कृति से जुड़ी चीज नहीं है, इसके पीछे एक विज्ञान है। अगर हम
शमशान से राख लाएं और कोई दूसरी राख लाएं, मैं आपको दिखा सकता हूं कि दोनों में क्या फर्क है। अनुभव के स्तर पर दोनों में बहुत बड़ा अंतर है और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस प्रक्रिया को जारी रखा जाए, क्योंकि महाकाल का स्वभाव यही है। इस महाकाल रूप की मौजूदगी ही ऐसी है कि आपके वहां जाने पर सब कुछ विलीन हो जाता है, सब कुछ जलकर राख हो जाता है। इसका अर्थ है कि आप भौतिक से मुक्त हो जाते हैं। ये आपको परम मुक्ति की ओर ले जाता है। अगर आप इसे कोमलता से करना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ सब कुछ है। अगर आप उसे जबरदस्त तरीके से करना चाहते हैं, अगर आप वाकई जोर का धक्का चाहते हैं और आप कमजोर दिल वाले नहीं हैं, तो महाकाल मंदिर एक अद्भुत प्रक्रिया है। आइए दोस्तों, थोड़ा ब्रह्मांड के बारे में हम सोचते हैं। ब्रह्मांड एक ऐसी शक्ति है, एक दिन पृथ्वी अगर चलती है तो 24 घंटे होते हैं, उन्हें दिन कहते हैं। एक दिन अगर चांद पृथ्वी से घेरे मारता है या पृथ्वी चांद से घेरे मारती है, दोनों अमावस्या पूर्णिमा तैयार करते हैं। एक महीना इस कार्य रूप में होता है। जब पृथ्वी सूरज को राउंड मारती है तो 365 दिन में परिवर्तन होता है। पृथ्वी का एक प्रदक्षिणा, सूरज इतना बड़ा है, एक प्रदक्षिणा एक साल में परिवर्तन होता है। और मनुष्य को बहुत कम साल दी है, कोई 10 दिन में जाता है, कोई 1 साल में जाता है, कोई 60 साल में जाता है, 65 साल में जाता है। 65 साल अगर पृथ्वी 65 बार अगर राउंड मारती है तो 65 साल होते हैं। इसका अभ्यास करना, ये वाकई साइंस की बातें हैं। आज भी जमाने में देव और दानव आज भी है। इस दंत कथा को देखते हुए आज भी दानव के समान लोग हिटलर, मुसोलिनी, दाऊद, आज के पुनीत, अमेरिका, यूरोप के लंदन, जिन्होंने आपका ब्रह्मांड की ताकत बनाकर राखों से, मट्टी से आज बाम गोले बनाए हैं, मनुष्य के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, बिल्डिंग के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, आज भी दानव है। दानव लोगों को आज भी मस्ती चढ़ी हुई है, वो पृथ्वी को नष्ट करना चाहते हैं। एक जमाने के दानव जिसको नाम दिया गया शुक्राचार्य, शुक्राचार्य ने अपनी ताकत से शिव को भक्ति में प्राप्त किया और अपने भक्ति से संजीवनी मंगी। संजीवनी देना बहुत कठिन काम है, अगर संजीवनी मिल जाती है तो इस पृथ्वी का नष्ट होगा, इस पुष्टि का नालक होगा। हर चीज दुनिया में है जो कम समय के लिए है। अगर आप कोई चेयर लो उसका भी लाइफ है, अगर आप एक आधा पेड़ लगाओ उसका भी लाइफ है। बंगलोर में हम देखते हैं बड़ का पेड़ है, 4 एकड़ जमीन पर है और कई सालों से, आज से सदियों से वो पेड़ जिंदा है, जिसकी डालियां का उत्पत्ति कहाँ से हुई हम नहीं देख सकते, लेकिन उसको भी नष्ट होना है। पृथ्वी को भी नष्ट होना है, चांद को भी नष्ट होना है, सूरज को भी नष्ट होना है, ब्रह्मांड को भी नष्ट होना है। हर का लाइफ है, कुत्ते का लाइफ है, जानवर 10-12 साल का है, शेर का है, चींटी का है, कुछ क्षणिक माइक्रोस्कोपिक चीज आती है और क्षणिक नष्ट हो जाती है। कुछ बरसात में ऐसी चीजें आती हैं जिसका जन्म आते ही आधे घंटे का होता है, पंख छोड़ के चले जाते हैं।
इस जीवन में मनुष्य जीवन, इस जीवन में झाड़ों का जीवन, इस जीवन में पशुओं का जीवन, प्राणी का जीवन, माइक्रोस्कोपिक जीवन जिन्हें वायरस कहते हैं, ऐसे अनेक प्रकार का जीवन है। उस जीवन को जीने के लिए सूरज की आवश्यकता है, चांद की आवश्यकता है, ग्रह ब्रह्मांड की आवश्यकता है। इन्हें हमने देखना चाहिए, हमें सोचना चाहिए, इस पर साइंस है। हम लोगों ने हमारे समझदारी के लिए, हमने खुशियों के लिए, हर देश के हर लोगों ने, अगर आप हिमालय की तरफ जाते हो तो आपका कलर बदल जाता है, आप अगर धूप के वाले लोगों में आते हो तो आपका कलर सावला है, भारत का कलर सावला है, राम भगवान के समान। यूरोप का कलर सफेद है तो निग्रो लोगों का कलर बहुत ही काला है, बाकी खून एक ही है, हर का खून ए पॉजिटिव निगेटिव जो भी है। शरीर एक है, मनुष्य एक है, ना जात है, ना पात है, ना कुछ है। हमारे खुशियों के लिए जात पात हमने 300-400 साल में पैदा की है। एक जमाने में जो खेती पर काम करेगा वो शाक के वंशी बनेगा, और जो तालाब में काम करेगा, पानियों में काम करेगा, वो कोहली कहलाएगा। परिस्थिति बदलते बदलते दावनों के साथ में गई। दावन आज भी युद्ध करते हैं, पृथ्वी को नष्ट करना चाहते हैं। रशिया यूरेन पर युद्ध करता है, यूरेन टकराता है, बलि जाती है सैन्यों की, बलि जाती है पशुओं की, बलि जाती है पेड़ों की, बलि जाती है बिल्डिंग की, मानव की बलि जब जाती है तब इस बलि को भी हमने ध्यान में रखना चाहिए। दानव लोग आज भी पैदा है। एक जमाने से जब पृथ्वी शुरू हुई, जीव जंतु शुरू हुए, एक मृगदावन है, एक दूसरे को खाता है, एक दूसरे को मकोड़ जाता है, शेर हिरणों को खाता है, इनका भी संविधान में बातें होना चाहिए। बहुत सारे शेर हैं जो मांस मच्छी खाते हैं, छोटी सी बिल्ली हम पालते हैं, वो फिर बंबई की बिल्ली रहे, मद्रास की रहे या भारत की रहे, आवाज तो मैं भी आता है। एक आधा शेर कहीं भी पाले वो मांस ही खाएगा। कुत्ता मनुष्य, ये वेज एंड नॉन वेज दोनों है, हमने सिलेक्शन करना चाहिए कि वेज होना अच्छी बात है, वेज प्रकृति को अच्छा करता है। हम जब महाशिवरात्रि में भगवान शंकर के गीत गाते हैं, वो भी एक प्रकार का मेडिटेशन है। भगवान शिव कभी भी आसन में बैठे रहते हैं। हमारे देश का नाग रूप में एक अर्थ है, भगवान शिव के ऊपर में चांद कवराता है, चांद दिखाते हैं। भगवान शिव ने ताकत, पृथ्वी की ताकत, एक ऐसी ताकत जिसने मनुष्य मात्र को निर्माण किया। भगवान शिव को गौरी पूजा उनकी पहली विशेष थी, जो ओबीसी में बिलोंगिंग करती थी। पार्वती ये ब्राह्मण में बिलोंगिंग करती हैं, इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं। सिंध प्रांत से लोग बाहर से आए और उन लोगों ने भगवान शंकर ऐसे एक राजा थे, एक किंग थे, उनकी ताकत को लहराकर पार्वती माँ को भेजा और उनकी शादी करवा दी। तब से एक आदिवासी शिव और कृष्ण की अनुमति कहानी भी है, महाकालेश्वर मंदिर के भी उज्जैन में कहानी है। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है जिसको भी हमने देखना चाहिए। महाकालेश्वर यानी शिव जी का मंदिर है, उनके लिए भी हमने सोचना चाहिए। भारत का इतिहास बहुत बड़ा इतिहास है। ब्रह्मांड की अंतरीय शक्तियाँ जो ही आपके अंदर पहले से विद्यमान है उसके बारे में भी हमने सोचना चाहिए। आज के इस बहुत बड़े चैप्टर पर मैं खुद बहुत सारी बातें प्रस्तुत करना चाहता हूँ, अभ्यास करना चाहता हूँ। सबरे के सुकून भरे वातावरण में ब्रह्मांड की अंतरिक्ष शक्तियों के बारे में जो ही आपके अंदर पहले से विद्यमान है। दोस्तों,
Gravity is the important part of the life because gravity is the force. हम लोग घूमते हैं, एक चीज गोल घूम रही है, बहुत बड़ी चीज है, लेकिन हम गिरते नहीं. इसी को ग्रेविटी फोर्स कहते हैं. हमने अलग अलग नाम दिए हैं. ब्रह्मांड की ये अंतरिक्ष शक्तियाँ के जो आपके अंदर पहले से विद्यमान है, इसके बारे में भी हमने ध्यान देना चाहिए. हाँ, सदगुरु का अभ्यास, और मैं भी डॉक्टर सज्जनराम फुलेकर इसमें अभ्यास करना चाहता हूँ. कोई भी चीज का अभ्यास करना हमारे लिए गौरव की बात होती है, और उस अध्ययन के साथ में हम आगे बढ़ना भी चाहते हैं. ब्रह्मांड की अंतरिक्ष शक्तियाँ जो आपके अंदर, तथागत भगवान बुद्ध ने भी इन शक्तियों के बारे में बहुत सारी बातें कहा. उस जमाने में हजारों साल पहले, 2600 साल पहले भगवान बुद्ध ने कहा, कहाँ तारे है, क्या संबंध है, इसके बारे में भगवान बुद्ध ने कहा. इसलिए भगवान बुद्ध को तथागत कहते हैं. हमारे अमेरिका के विद्यापीठ में जब सबसे बुद्धिमान लोग कौन है, तो भारत के दोनों लोग जिनके बुद्धि के बारे में बड़ा गौरव से कहा, तो वो पहला नंबर लगता है भगवान बुद्ध का, और चौथा नंबर लगता है परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का. सोचियो साथियों, ब्रह्मांड की अंतहीन शक्तियाँ जो कि आपके अंदर पहले से ही विद्यमान है. चलो आओ इसके बारे में सोचते हैं. योगिक प्रणाली में हमेशा एक निरंतर फैलते हुए ब्रह्मांड की बात की गई. कोई शुरुआत या अंत नहीं, ये अंतहीन ब्रह्मांड. मैंने कहा अपने सिस्टम में देखकर मैं कह रहा हूं कि सृष्टि ने 84 बार गर्जन किया और ये आगे भी कई गर्जन करेगा. एक महत्वपूर्ण संख्या है आज हमारे जीवन में, चाहे हम इसके बारे में जागरूक हों या ना. 84 क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए क्योंकि यह सृष्टि गुजर चुकी है. 84 घटनाओं से 84 बार यह हो चुका है. यह 84वीं घटना है. आज आधुनिक विज्ञान प्रमाणित करता है कि पूरी सृष्टि बस कंपन है. ये मेरा आविष्कार नहीं है, ये वैज्ञानिक तथ्य है. जहां कंपन होता है वहां ध्वनि भी होता है. क्या ये ठीक है? मैं तार्किक रूप से चरण दर चरण जाना चाह रहा हूं. जाने के और भी तरीके, बस ऐसा करके मैं आपको एक अलग तरीके से समझा सकता हूं. लेकिन हम चरण दर चरण जाना चाहते हैं. जहां कंपन होता है वहां ध्वनि भी होगी. कैसा है? तो आप सिर्फ एक कंपन नहीं है, आप एक ध्वनि भी है, बल्कि एक शोर है. वे जो आवाज कर रहे हैं और वे जो नहीं कर रहे हैं, आप सभी लोग एक ध्वनि हैं. यही आधुनिक विज्ञान कह रहा है. और बहुत पहले किसी ने आपसे कहा था कि सबसे पहले शब्द था, और वो शब्द है भगवान. आप जानते हैं बहुत पहले ये कहा गया था. ध्वनि एक शब्द है ना, बल्कि एक शब्द ध्वनि है. फिलहाल मैं अगर हां कहूं, क्योंकि आप ये भाषा जानते हैं, तो आप उससे एक अर्थ जोड़ रहे हैं. अगर आपको ये भाषा ना आती, तो जहां तक आपका सवाल है, मैं बस एक आवाज पैदा कर रहा हूं, है ना? क्योंकि आप उनकी भाषाएं नहीं जानते,
आपको लगता है कि वो कुछ अजीब आवाजें पैदा कर रहे हैं? नहीं, वे कुछ बोल रहे हैं। अगर मैं ऐसी भाषा में बोलूं जो आप नहीं जानते, तो आप स्वाभाविक रूप से सोचेंगे कि मैं कुछ अजीब आवाजें पैदा कर रहा हूं, है कि नहीं? अगर मैं अभी इस समय तमिल में या कन्नड़ा या तेलुगु या कोई और भाषा में बोलूं जो आप नहीं जानते, आपको लगेगा मैं कुछ, आपको पता नहीं चलेगा कि मैं वाकई किसी भाषा में बोल रहा हूं या कुछ बकवास आवाजें पैदा कर रहा हूं, है कि नहीं? तो शब्द बस एक ध्वनि है। तो उन्होंने कहा कि वो शब्द है भगवान, क्योंकि कोई भी इंसान जिसने अस्तित्व को पास से देखा है, वो देख सकता है कि जिसे आप सृष्टि कहते हैं और जिसे आप सृष्टा कहते हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। अगर आप उन्हें अलग करें तो सृष्टि का अस्तित्व नहीं रहेगा। जब तक किसी सृष्टा का निरंतर सहारा नहीं मिलता, एक पल के लिए भी ये सृष्टि की प्रक्रिया नहीं चल सकती, क्योंकि सृष्टि बन नहीं चुकी है, ये निरंतर बन रही है। हाँ, क्या आप निरंतर बन रहे हैं या बन चुके हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बन नहीं चुके हैं। You're an ongoing process. आप एक जारी प्रक्रिया है। सृष्टि की भागीदारी के बिना सृष्टि एक जारी प्रक्रिया कैसे होगी? वो निरंतर भागीदारी है, वो अलग नहीं हो सकता। तो इसी वजह से उन्होंने कहा, सबसे पहले शब्द था, मतलब फ्रॉम टोटल अनमैनिफेस्ट, पूर्ण अव्यक्त अस्तित्व, जिसकी जब अभिव्यक्ति शुरू हुई तो सबसे पहली चीज जो हुई थी वो ध्वनि थी। वैज्ञानिक भी सहमत है कि बिग बैंग हुआ था। बैंग मतलब ध्वनि, है ना? भारत में बहुत सुंदर तरीके से व्यक्त किया गया है कि पहले और एकमात्र ईश्वर जो दुनिया के इस हिस्से में मौजूद थे, वे थे रुद्र। रुद्र का मतलब है वे जो गरजते हैं, गरजने वाले। तो उन्हें रुद्र इसलिए कहा गया क्योंकि यही सृष्टि की शुरुआत है, क्योंकि ये एक गर्जन है। वैज्ञानिक इसे बैंग कहते हैं। अब वैज्ञानिक बैंग के सिद्धांत को वापस ले रहे हैं कि एक बिग बैंग हुआ था। वे कह रहे हैं कि कई बैंग हुए थे। तो आज के एक मशहूर भौतिक विज्ञानी, जिन्होंने कई मशहूर किताबें लिखी, हाल ही में उन्होंने एक किताब लिखी है, मैंने वो पढ़ी नहीं, मैं उनसे मिला। उन्होंने एक किताब लिखी है, एंडलेस यूनिवर्स, हाँ, अंतिम ब्रह्मांड। हमेशा विज्ञान ने यह विश्वास किया है कि हर चीज की एक शुरुआत और एक अंत होता है। अब भौतिक विज्ञानी अंतिम ब्रह्मांड के बारे में बात कर रहे हैं। यौगिक प्रणाली में हमेशा एक निरंतर फैलते हुए ब्रह्मांड की बात की गई। पहली बार शीर्ष स्तर के भौतिक विज्ञानी ये मानने लगे हैं कि कोई शुरुआत या अंत नहीं, ये अंतहीन ब्रह्मांड है। ये एक मशहूर सिद्धांत है जो अभी वैज्ञानिक समुदाय के बीच है कि ब्रह्मांड अंतहीन हो सकता है। तो जब मैं इनसे चर्चा कर रहा था, मैंने पूछा कि क्या यह संभव है कि वो एक बैंग नहीं बल्कि एक गर्जन थी, एक निरंतर गर्जन। उन्होंने इस बारे में सोचा और उन्होंने कई चीजों के बारे में सोचा और वे बोले, ये हो सकता है, शायद वो एक बैंग नहीं था, वो एक गर्जन थी। वो एक पल में नहीं हुआ, वो कुछ समय तक गर्जा और फिर धीरे धीरे सृष्टि बनने लगी। तो पहला रूप, पहले ईश्वर को गरजने वाला कहा गया, रुद्र मतलब गर्जन करने वाला। तो मैंने पूछा, आपको क्या लगता है
उन्होंने कितनी बार गर्जन किया होगा। वो बोले हम कह नहीं सकते, हम कह नहीं सकते क्योंकि हमारे पास जानने का कोई तरीका नहीं है कि कितनी बार, लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने एक से ज्यादा गर्जन की थी। फिर मैंने कहा किसी दिन अगर आपकी खोज आपको वहां पहुंचाती है तो इसे एक सहायक चिन्ह के रूप में रखिए कि वे 84 बार गर्जे थे। उन्होंने पूछा आप कैसे जानते हैं, किस आधार पर ये कह रहे हैं? मैंने कहा अपने सिस्टम में देखकर मैं कह रहा हूं कि सृष्टि ने 84 बार गर्जन किया है और ये आगे भी कई गर्जन करेगी, ये कुल मिलाकर 112 बार गर्जन करेगी। जब ये आखिरी बार गर्जन करेगी तब कोई शुरुआत और कोई अंत नहीं होगा, ये शाश्वत सृष्टि होगी। वो बहुत दूर है, पर मैंने उनसे कहा कि आप 84 को किसी तरह के सहायक स्तंभ के रूप में रखिए, आपके पास मशीन और गणित है, मैंने एक और एक कितना है ये भी नहीं सीखा, आपने ये सभी चीजें सीखी हैं, आप उन पर काम कीजिए। किसी दिन अगर आप एक संख्या तक पहुंचेंगे तो आप इस संख्या तक पहुंचेंगे, ये 84 होगा। ऐसा कैसे हो सकता है, उन्होंने पूछा। मैंने कहा अगर आप आज एक पेड़ काटते हैं तो लोग उसके तने में मौजूद छल्लों या चक्रों को देखकर कहते हैं कि पिछले 1000 सालों में अकाल कब पड़ा था, ज्यादा बारिश कब हुई थी, आग कब लगी थी, सब कुछ है ना। अगर आप अपने सिस्टम में अपनी जागरूकता का इस्तेमाल करके प्रवेश करते हैं तो इस सृष्टि का पूरा इतिहास इसमें लिखा हुआ है। 84 बार ये सृष्टि गरज चुकी है, हम इस 84वें गर्जन में हैं। 84 गर्जनों के कारण जो हुआ है हम वहां हैं। उन 84 सृष्टियों में से जो हुई है 83 हो चुकी है, ये वाली हो रही है। इनमें से जैसे सृष्टि हो रही है निरंतर, विलीन होना भी निरंतर हो रहा है, तो विलीन होने की प्रक्रिया कुछ सृष्टियों के लिए शुरू हुई और ये विलीन होती गई, विलीन होती गई। उनमें से सिर्फ 20 अब तक विलीन होने की प्रक्रिया में है, विलीन होने के अलग अलग स्तर हैं, बाकी की पूरी तरह से मिट चुकी हैं, सिवाय इसके कि आप अपनी जागरूकता में उन्हें देख सकते हैं, इस सृष्टि में देख सकते हैं, क्योंकि किसी रूप में इनमें उनका शेष भाग या अनुभव मौजूद है। उसी तरह जैसे आपके जीवन का अनुभव आपके हर काम में आपके साथ होता है, सृष्टि की प्रक्रिया भी हर सृष्टि का अनुभव अगली सृष्टि में अपने साथ लेती आई है, अगले में और उसके अगले में, हालांकि वे पूरी तरह से अलग है, हालांकि वे पूरी तरह से अलग हो सकती है। देखिए आप स्कूल गए और फुटबॉल खेले, और ये 25 साल पहले हुआ था, अब अचानक से अब आप 45 साल के हैं और एक चोर आपके घर में घुस गया। जब आपके घर में चोर घुसता है यू आर नॉट गोइंग लाइक दिस, यू विल गो लाइक दिस, आप करके ऐसे नहीं करते, आप ऐसे करेंगे क्योंकि आपका फुटबॉल का खेल अचानक ऐसी चीज जो आप पूरी तरह से भूल चुके हैं वो कहीं आपके सिस्टम में है, वो बाहर आ जाती है। आप चोर को एक फुटबॉल की गेंद की तरह मारते हैं, ना कि कराटे केक या कलरीपट्टू केक या किसी और तरह। तो वो अनुभव, आपने फुटबॉल शायद 1 महीने या 3 महीने के लिए खेली होगी, लेकिन वो अनुभव, उस अनुभव का बचा हुआ हिस्सा आप में अब भी गहरा समाया हुआ है और ये कहीं एक बिल्कुल अलग जगह में व्यक्त होता है। इसी तरह आप हर समय विकसित हो रहे हैं, इसी को हम कर्म कहते हैं। तो ये व्यक्तिगत कर्म है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक ब्रह्मांडीय कर्म होता है, सृष्टि का अपना कर्म होता है, क्योंकि सृष्टि खुद एक कर्म है ना। सृष्टि का बनना क्या ये काम नहीं है? काम मतलब कर्म, ये कर्म है। उस कर्म का बचा हुआ हिस्सा हमेशा अगले स्तर की सृष्टि तक और फिर अगले स्तर तक पहुंचता है। इस तरह से कुल मिलाकर 84 सृष्टियां हुई हैं या 83 हुई हैं, ये 84वीं हो रही है। इनमें से पुरानी सृष्टियां पूरी तरह से विलीन हो चुकी हैं,
उनका अस्तित्व बस अपनी सृष्टियों में मौजूद अनुभव की छाप के रूप में, पर वे जीवित नहीं है। लेकिन इससे पहले की 20 सृष्टियां अब भी अलग अलग स्तर पर जीवित हैं। कुछ बहुत ही धुंधली हो गई हैं, कुछ प्रबल हैं, कुछ ज्यादा प्रबल हैं, कुछ लगभग असली जैसे ये है। ये लगभग ऐसी ही है, लेकिन ये विलीन होने की प्रक्रिया में, वहां सृष्टि की प्रक्रिया सक्रिय रूप से नहीं हो रही है। विलीन होने का यही मतलब है। देखिए, फिलहाल आपके लिए मृत्यु का क्या मतलब है? जब आप बच्चे थे, जितनी नई कोशिकाएं आप पैदा कर रहे थे, मान लीजिए एक साल में आप 100 अरब कोशिकाएं बना रहे थे। जब आप 35 के हो जाते हैं, ये थोड़ा कम हो जाता है। जब आप 45 के होते हैं, ये थोड़ा और कम होता है। 55 की उम्र में और कम होता है। 75 पर और भी कम। एक समय आता है जब आप जो पैदा करते हैं और जो मरता है उसकी संख्या नए से ज्यादा है। इसी तरह से बुढ़ापा आता है। सृष्टि के साथ बिल्कुल यही प्रक्रिया हो रही है। विलीन होना हर समय होता है। यहां भी विलीन होना हर समय होता है, लेकिन नई सृष्टि हो रही है तो यह पूरी ऊर्जा से चल रही है। यह नई सृष्टि धीमे पड़कर रुक गई तो कुछ समय बाद, कुछ समय अंतराल के बाद यह बस कम होने लगी, सिर्फ विलीन होने लगी, और कुछ समय बाद सिर्फ याददाश्त की छाप, जीवित छाप बिल्कुल नहीं है। तो इस अर्थ में सिर्फ 21 अब तक किसी रूप में मौजूद है। बाकी की बची हुई 63, जी हां 63, पूरी तरह से गायब हो चुकी है। ये आपको नहीं मिलेंगी, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे देखते हैं, लेकिन आप उन्हें अपने सिस्टम में याददाश्त के चिन्हों के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि वो छाप, वो अनुभव अब भी यहां है। ये एक असली चीज है। बाकी सभी घटते क्रम के अनुसार सक्रिय है। इनमें दो है, इस सृष्टि में दो है। एक भौतिकता है जिसमें हर चीज की याददाश्त है। दूसरा है सृष्टि का स्रोत जो भविष्य का आधार है। आप या तो अपने अतीत को अपना भविष्य बनने दे सकते हैं। जब आप अपने अतीत को अपना भविष्य बनने देते हैं, हम आपको देखकर कहते हैं ये उसका कर्म है। जब हम कहते हैं वो उसका कर्म है, इसका मतलब है कि वो अपने अतीत को अपना भविष्य बनने दे रही है। उसमें कोई नई संभावना नहीं है। यही बात है। जब हम किसी को देखकर कहते हैं कर्म, हम बस यही कह रहे हैं कि वे अपने अतीत को अपना भविष्य बनने दे रहे हैं। उनका वाकई कोई भविष्य नहीं है, वो खुद को दोहराएगा। जब आप कहते हैं मैं आध्यात्मिक मार्ग पर हूं, तो आप एक स्तर पर यह कह रहे हैं कि आप वाकई ये कह रहे हैं कि आप अपने अतीत को अपने भविष्य के रूप में दोहराने नहीं देना चाहते। आप अपने जीवन को चक्रीय नहीं बनाना चाहते। आप अपने जीवन को आगे ले जाना चाहते। आप उसे चक्रीय नहीं बनाना चाहते। पिछला मंत्र जिसका अभी आप उच्चारण कर रहे थे वो है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। मतलब ये चक्र मैं इसे किसी तरह तोड़ना चाहता हूं, क्योंकि जब आप किसी चक्र में आ जाते हैं, जब आप गोल घूमने लगते हैं, तो आप कहीं नहीं पहुंचने वाले। जब आप कहते हैं कि कोई गोल घूम रहा है, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब बस ये होता है कि वो कहीं नहीं पहुंचेगा। तो जब हम कहते हैं ये उसका कर्म है, तो हमारा मतलब यही होता है कि वो कहीं नहीं पहुंचेगा, क्योंकि घूमते हुए उसे ऐसा लगता है कि ये नई यात्रा है, क्योंकि उसकी याददाश्त बहुत छोटी है। हर किसी को भूलने की बीमारी है। मां के गर्भ से पहले क्या था या मां के गर्भ में क्या था, उन्हें याद नहीं। वे भूल जाने की स्थिति में, इसलिए गोल घूमना नया लगता है। हर बार घूमकर नया लगता है। ये गोल घूमते जानवरों की तरह है। सर्कस में जानवरों को घुमाते हैं, ये बस वैसा ही है। भारत में, विशेष रूप से योगिक संस्कृति में, ये उदाहरण शायद कहीं योग सूत्र में ही है। ये वाला उदाहरण, उनकी तुलना तेल की चक्की के बैल से की जाती है।
तेल की चक्की पर वे बैलों के साथ ये करते, वे उनकी आंखों पर कपड़ा बांध देते, उनकी आंखों पर कुछ बांध देते या फिर सब कुछ बांधकर बस इतना छोड़ देते। और ये एक तेल की चक्की है, पर बैल सोचता है वो कहीं जा रहा है, जैसे आप ट्रेडमिल पर चलते हैं और ऐसा लगता है कि आप कहीं जा रहे हैं पर आप कहीं नहीं जा रहे हैं। यही कर्म है। तो ये आयाम जिसे आप अभी देख रहे हैं वो दो स्तरों पर है, एक हो चुका है, दूसरा हो रहा है। तो उनमें से 83 हो चुके हैं। अगर आप संख्याओं में बात करना चाहते हैं तो 83वां हो चुका है पर अब भी हो रहा है। बचे हुए हिस्से के रूप में यह अब भी हो रहा है। आपका जन्म हो चुका है, क्या हो चुका है? जन्म हो गया है पर अब भी हो रहा है ना? आपकी मृत्यु हो चुकी है लेकिन अब भी हो रही है। आप समझे? इस पर हम थोड़ा विचार करना चाहेंगे। पहले दोस्तों, ब्रह्मांड के बारे में, ब्रह्मांड की जैसी आवाज शुरुआत हुई, एक आवाज से हुई। बच्चा माँ के गर्भ से आता है, एक कुछ ना कुछ आवाज निकालता है। वो इंग्लिश मीडियम का बच्चा रहे कि कोई भी लैंग्वेज का बच्चा रहे, उसका आवाज एक समान होता है, रोने का आवाज होता है। बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है वो घूमता है घूमता है, माँ को लगता है मुझे लात मार रहा है, बड़ी खुश होती है। आजकल तो हम पेट से भी काट के निकालते हैं, पैसों की लालच के कारण, दावन के कारण हम उन्हें बाहर निकालते हैं। बाहर बहुत सारी कंट्रियाँ ऐसी हैं, अमेरिका और बाहर की, नेचुरल बच्चों को निकालना चाहती है। बच्चा जब आता है आवाज़ करता है। हर चीज़ पृथ्वी की जब मजबूत होती है, जिंदी होती है, वो आवाज़ करती है। पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े अपनी अपनी आवाज़ करते हैं। उस दुनिया में जाओ तो समझ जाएगा उस दुनिया क्या है। ये ब्रह्मांड की ताकत है। हर चीज नष्ट होने वाली है। 84,000 गाथा भगवान बुद्ध के जमाने में 84,000 गाथा की गई। सम्राट अशोक ने 84,000 विहार बांधे भगवान बुद्ध की। 84,000 एक पहाड़ के अस्थियों के टुकड़े धीरे धीरे काटकर 84,000 विहार बांधे गए। भगवान बुद्ध के 84,000 गाथा सवेरे से शाम तक के बोलते थे। ब्रह्मांड की ताकत बहुत अजीब है, इसे पहचानना बहुत कठिन काम है। आवाज के साथ में आती है और भाषा में परिवर्तित होती है। हमारे भारत में हर 10 किलोमीटर पर आवाज और भाषा है, संस्कृति है, एकमेक की भाषा हमको समझती नहीं। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, सोलापुरी मराठी, कोल्हापुरी मराठी, भंडारा की मराठी, हिंदी, नागपुर की मराठी हम पहचानते हैं। भंडारा की मराठी हम पहचानते हैं, नागपुर की मराठी हम पहचानते हैं। हिंदी मिक्स, मराठी मिक्स, एक भाषा बनती है। भाषा बदलते रहती है, भाषा का रूपांतर बदलते रहता है, मनुष्य का परिवर्तनशील बदलते रहता है। ब्रह्मांड की बहुत बड़ी ताकत है। ब्रह्मांड आवाज करता है, आवाज कर कर एक बहुत बड़े ग्रह को हम टकरा दिए और वो ऊर्जा के कारण पृथ्वी की निर्माण हुई। पृथ्वी की दक्षिणा चंद्र एक महीना पृथ्वी की दक्षिणा करता है। पृथ्वी, सूरज पृथ्वी के पीछे घूमकर एक साल पैदा करता है। सूरज अगर 65 साल घूमेगा तो सिर्फ 65 बार घूमता है।
पृथ्वी के पीछे ज्यादा से ज्यादा सूरज घूमते रहता है, घूमते रहता है। हर चीज आती है, नष्ट होती है। ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी चीज है जो सजीव है? आवाज हमने कैप्चर की, आज भी हम बड़े बड़े नेताओं का आवाज जानते हैं, बड़े बड़े गुरु का आवाज जानते हैं। साइंस की कला इतनी आगे गई है कि जिसको पहचानना बहुत कठिन काम है। मेरे प्यारे दोस्तों, दंत कथा भी है महाशिवरात्रि पर, रामायण पर, महाभारत पर। इन्हें भी सुनकर उस जमाने में लिखने वाले आथर को हमने मानना चाहिए। आज शिवरात्रि के परुस्त पर आज साइंस से जुड़ते हुए हम इस कला को भी पढ़ेंगे, इसको देखेंगे। इसलिए 2600 साल पहले भगवान बुद्ध ने इस ब्रह्मांड की ताकत को हिलाने के लिए अनेक देवी देवता के साथ में अभ्यास किए, ब्रह्मांड की ताकत का अभ्यास किए। जो बातें भगवान बुद्ध को नहीं समझी, तथागत होने के बाद में भी इस पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, क्या आत्मा है, क्या भगवान है, भगवान क्या है, मनुष्य भगवान नहीं हो सकता। अगर मनुष्य भगवान है तो फिर हर जान प्राणी भगवान है। हर प्राणी ध्यान रखता है, प्रेम करता है। सादी चींटी 7 किलोमीटर के अंतर पर अपनी ताकत पैदा करती है। कुत्ता एक बार सोता है तो 10 साल के बाद में आए हुए मालिक को पहचानता है। इस ताकत है, ये ताकत नेचर ने हमें दी है। इस ताकत को हमने खोजना चाहिए, इस ताकत को हमने अभ्यास करना चाहिए। छोटी छोटी बातें का अभ्यास करने के बजाय हमने उस ताकत के अंदर जाना चाहिए। ऐसी जबरदस्त शक्ति जानकर दंग रह जाओगे ब्रह्मांड की वो ताकत जो आपको गुलाम बना देगी। 10वां अवतार कौन होगा? बहुत सारे अवतार हैं, हमने नाम दिए हैं, अवतारों का नाम दिए हैं। पंच तत्व की शक्ति लाइफ से जो चाहो वो पाओगे, इसके बारे में भी अद्भुत शक्ति है। पंच तत्व में हम विलीन हो जाते हैं। जब हम जाते हैं तो 5 तत्व में विलीन हो जाते हैं, आकाश, वायु, हवा, पानी, अग्नि, इस 5 तत्व से हम विलीन हो जाते हैं। पंच तत्व की यह अद्भुत शक्तियाँ जो चाहो वो पाओ, इमेजिंग पावर आपको मिल जाता है। प्यारे दोस्तों, अपने को बहुत सारी बातें समाधि तक के लिए जाती है। आखिरी समाधि भगवान बुद्ध के भी अष्टांग मार्ग, पंचशील, दशहिता। दुनिया में युद्ध नहीं, बुद्ध चाहिए। इस बातों को भी हमको ध्यान देना है। उसों के समान लोग, सदगुरु के समान लोग जो भगवान बनने के लिए अंदर घुसते हैं, उन बातों को भी हमें ध्यान देना चाहिए। ऊर्जा प्रणाली को सक्रिय करने के लिए बाद में कुछ अद्भुत शक्तियां भी निर्माण होती हैं। भगवान गीता में 21 सिद्धि है, उनका भी अभ्यास करना आवश्यक है। उतना नहीं, बुद्ध को जब पूछा गया कि बुद्ध अच्छे लोगों के साथ में बुरा क्यों होता है, तो बुद्ध ने बहुत सारी होशियारी के साथ में बातें की। आज टाइम ज़्यादा हो रहा है, हमें सब्जेक्ट पर बहुत सारी बातें करना है। तीसरी आँख का सच क्या है, मानसिक शक्ति की बीमारियाँ ठीक हो सकती है, इसको भी हमने बात ध्यान देना चाहिए। छोटी छोटी बातों को देखते हुए भी पानी का सही इस्तेमाल बदल सकता है आपका जीवन, तो इसको किस तरह से उपयोग में लाना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर कई किताबें पढ़ चुके थे, लाखों की संख्या में
उसने भी लाखों की संख्या में किताबें पढ़ी। तंत्र विद्या के गुप्त ध्यान की 114 चक्र क्या होते हैं इसके बारे में भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। 84 चक्र का अर्थ क्या होता है, ये किस बातों से जुड़ा हुआ है। अशोका ने 84,000 मंदिर बांधे, विहार बांधे, 84,000 गाथा भगवान बुद्ध ने दिया, इस बातों को भी देखना बहुत आवश्यक है। दिमाग का संतुलन किस तरह से करना चाहिए इस पर भी विचार करना आवश्यक है। आज महाशिवरात्रि के ऊपर हर संत साधुओं की बातें पर विचार करना बहुत आवश्यक है। यदि आप खूब सारा पैसा कमाना चाहते हैं, बस बहुत सारी चीजें हैं, तो मेडिटेशन इज ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ। महाशिवरात्रि के उपलब्ध पर हमारे मेडिटेशन गुरु तथागत भगवान बुद्ध और शिव जो चांद की प्रतिमा पर एक ताकत पैदा करते हैं। मेरे दोस्तों, हमने हमने त्यौहार बनाए, अभी अभी हमने गणपति जी को लाए, तिलक ने गणपति जी को साकार किया। गणपति जी शिव के पुत्र थे, एक दूसरे को नहीं पहचाने, काट डाले। काटने के बाद में हाथी का उनके ऊपर लगाया गया। हर बातों को हमने सोचे, अभी हम आध्यात्मिक बातों को भूल जाना चाहिए और सच्ची बातों के साथ में हमने आगे आना चाहिए, बुद्ध के विचार पर आगे आना चाहिए। बुद्ध एक शक्ति है, बुद्ध एक संस्कृति है। अपने से भी जो ज़्यादा लोग ज्ञानी होते हैं उसको बुद्ध कहते हैं। मेरे दोस्तों, आइए आज महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं इसके बारे में भी अपने अभ्यास किए। 7 क्रिएटेड ऑफ द शिवा, इनके बारे में भी अभ्यास किए। महाशिवरात्रि की व्रत कथा है, शिवरात्रि की बहुत सारी बातें हैं। हम आज शिवरात्रि की उपलब्धि पर एक छोटी सी कहानी शिवरात्रि के बारे में। आओ दोस्तों, जाते जाते और एक बार शिवरात्रि की वो कहानी को याद करते हैं और यही हमारे चैप्टर बंद करते हैं, न खत्म होने वाला चैप्टर। मूर्तियों में से एक है भगवान शिव जी, उनके रहने का स्थान कैलाश। भगवान शिव जी हमेशा ध्यान करते दिखते हैं। पर्वत राजा हिमवंत का राज कैलाश के समीप था। पर्वत राजा का विवाह स्वर्ग की अप्सरा मेनका से हुआ और उनकी पुत्री है माता पार्वती। उनका यह नाम इसलिए रखा गया क्योंकि वह पर्वत राजा की पुत्री थी। पार्वती हर कार्य में कुशल थी, यानी बहुत टैलेंटेड थी, और उनकी बचपन से ही इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान शिव जी से हो। एक दिन नारद ऋषि हिमालय के राज आते हैं और राजा से कहते हैं, हे महात्मा, पार्वती हमेशा यही चाहती रही कि उनका विवाह भगवान शिव जी के अलावा और किसी से ना हो। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वे माता पार्वती के मन की बात जानते थे। हिमवंत ने शिव से विवाह करने की, अपनी पुत्री के विचार बदलने की हर कोशिश की, किंतु पार्वती अपनी बात पर जिद्दी थी। पार्वती के आग्रह पर हिमवंत उन्हें भगवान शिव जी के पास ले गए और उनसे कहा, अब से पार्वती तुम्हारी सेवा करेगी। शिव से सहमति लेने बाद उस दिन से पार्वती भगवान शिव जी की सेवा करने लगी और उन्हें प्रसन्न करने के लिए पूजा करने लगी। उस समय वहाँ ताड़कासुर नाम का राक्षस रहा करता था, जिसे यह वरदान प्राप्त था कि वह भगवान शिव के पुत्र के हाथ मरेगा। अतः एवं इसलिए भी शिव का विवाह होना जरूरी था, जिससे उस राक्षस से छुटकारा मिले। भगवान ब्रह्मा इसके बारे में जानते हैं और उन्होंने प्रेम के भगवान मन्मथ से कहा कि
वे भगवान शिव पर प्रेम का बाण देंगे, जिससे वे पार्वती से प्यार करने लगे। तुरंत मन्मथ अपनी पत्नी रति को लेकर कैलाश पहुंचे। मन्मथ ने वहां पहुंचकर देखा कि भगवान शिव गहरे ध्यान मग्न है। वे सोचने लगे कि इनके ध्यान में कैसे बाधा डाली जाए और अपने भेजे हुए कार्य को पूरा किया जाए। जब पार्वती भगवान शिव की पूजा कर रही थी, तब मन्मथ ने उन पर प्रेम बाण फेंका। विचलित होकर गुस्से में शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोला। उससे जो आग उन्होंने देखी, प्रेम का भगवान मन्मथ जल गया। भगवान ने अपना ध्यान समाप्त किया। इस सब को देख चकित हुई पार्वती को पता चल चुका था कि भगवान शिव जी को केवल भक्ति और पूजा से प्राप्त किया जा सकता है। पार्वती ने फैसला कर लिया कि शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। एक दिन उस रास्ते आते हुए एक साधु ने पार्वती से प्रश्न किया है, सुंदर बालिका, तुम क्यों इतनी कठिन तपस्या कर रही हो? पार्वती ने इतनी कठिन तपस्या करने के पीछे कारण उन्हें बताया तो वे चकित रह गए। तब साधु ने पार्वती से कहा कि शिव धोखेबाज है, और उन्होंने ये भी कहा कि वे शिव पर विश्वास ना करें, उस पर अपना समय ना बर्बाद करें। साधु ने पार्वती को समझाना चाहा कि वे शिव पर विश्वास ना करें, किंतु सब बेकार गया। पार्वती को साधु द्वारा शिव के विरुद्ध झूठे आरोप लगाए जाने पर गुस्सा आया। अंत में साधु पार्वती के सामने अपने असली रूप में आ जाते हैं। वह साधु और कोई नहीं, भगवान शिव थे, जिन्होंने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए साधु का रूप लिया था। भगवान शिव जी का साधु का रूप लेना पार्वती को अच्छा लगा। भगवान शिव जी पार्वती से विवाह के लिए तैयार हो गए। जब सप्त ऋषियों को भगवान शिव के विवाह की सहमति का पता चला, तो वे हिमवंत के पास जाकर उन्हें शिव के साथ अपनी पुत्री के विवाह के लिए मना लिया। इस तरह भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ। उनकी शादी बड़े जोर शोर के साथ हुई। विवाह के बाद सभी देवता भगवान शिव जी के पास पहुँचे और उनसे कहा कि मन्मथ को वे जीवन दान दे दें। उन्होंने तो केवल ब्रह्मा के आदेश का पालन किया था। तब भगवान शिव जी ने प्रेम देवता मन्मथ को जीवित कर दिया। कुछ समय बाद शिव और पार्वती को एक पुत्र हुआ। वे है कुमार स्वामी। उन्हें छह मुखों के कारण उन्हें षण्मुख भी कहते हैं। बच्चों, गणपति बप्पा जो हम प्यार से बुलाते हैं ना, विनायक जो कठिनाइयों और विघ्नों के भगवान है, वो भी शिव जी के पुत्र हैं। कुमार स्वामी अपने बचपन में ही देवताओं के प्रमुख बने और उन्होंने राक्षस ताड़कासुर को मारा। भारत में आंध्र प्रदेश के राज्य में श्री सेलम, राक्षारामम, श्री कालाहस्ती, वेमुलवाड़ा जैसे मशहूर शिव मंदिर हैं। अरे दोस्तों, बहुत सारी कहानियां दंत कथाओं से जुड़ गई है। अभी अगर बोलने दिए जाए तो महाशिवरात्रि के व्रत कथा पर हिरण की भी कहानी आती है, माँ गया पर भी कहानी आती है। द स्टोरी ऑफ महाशिवरात्रि। आज दोस्तों एक नया चैप्टर, एक नया इन्वेशन, इज द डार्क फाइटिंग एट द प्लम ऑफ फेब्रुवरी ऑन द मूनलेस नाइट। वन स्टोरी दैट से द विजन ऑफ द पार्वती आर नोन एज द समृद्ध मंथम। लॉर्ड शिवा
conjugate the presence of the mind, to protect the world from the negative energy. The poisons are the first turn to the first to the blue. Hence it is also known as a Nilakant. There is another vital that the Shivratri is the night when the Lord Shiva performed the Kundam Shiva. It is the promulgation change in the cremation according to the traditional of the custom of Mahashivratri. Due the rule birth of the Indra. Fruitless flower and leave the flowers of this Shivratri festival take the place at night. Devotees visit Shiva temple at night and the Kumbh of the Shiva devoted to spend the night time singing Hamas at the face of Shiva. Namaste Shiva mantra is the tradition. Om Namah Shiva. Om Namah Shiva. Om Namah Shiva. Om is the word. We starting from the rhythms. Dosto, आज के इस चैप्टर को बड़ा किया गया, थोड़ा और कुछ पास बोल सकता था लेकिन सुनने वाले थक जाएंगे। आपका साथी डॉक्टर सचिदानंद पलेकर महाशिवरात्रि के उपलब्ध पर सदगुरु के साथ में भी कुछ बातें और डॉक्टर सचिदानंद पलेकर के साथ में बातें। मैं महाशिवरात्रि का आपको डिटेल में व्यवहार के साथ में एक छोटा सा बच्चा बनकर काम में जवान होना, व्यवहार में बच्चा होना, काम में जवान होना और अनुभव से वृद्ध होना, यही सफलता का ऊंचाई का राज है। नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। नमो भगवान। नमो बुद्धाय। नमो ये वर्ड शिवा से भी आता है, नमो बुद्धाय से भी आता है। नमो शिवाय। नमो बुद्धाय। नमो अशोक सूत्रा। जय भीम साथियों। नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु। सब एक ही है, रूप बदलाए गए हैं, इन्हें हमको सोचना है, खोजना है और इसी मंत्र के साथ में आगे बढ़ना है। नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु। आपका कल्याण हो।